मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता और समर्थित लोगों की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर मंदसौर से सामने आया है, जहां बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती ना देने पर सरेआम एक ज्वेलर को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। ज्वेलर अनिल सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अनिल डायमंड ज्वेलर्स के नाम से शोरूम चलाते थे। अनिल सोनी के अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जब वो रात के समय चौधरी कॉलोनी स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे। अनिल ने घटना से पहले फेसबुक पर एक वीडियो भी डाला था, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हमले की आशंका जताई थी। जय हिंद, देशभक्ति और जनसेवा, वाह मेरे साहब वाह, मान गए। इस मंदसौर शहर में आपने अपराधियों का राज किस तरीके से लेके आए हो आप। मेरे खिलाफ जो हमला हुआ उसका वीडियो आपके पास में क्लियर रूप से आया, किस तरीके से चुन्नू लाला अपने साथियों के साथ में बंदूक लेके मेरे पीछे दौड़ा और मेरे ऊपर हमला करा। उसके बावजूद जो आपने उसके खिलाफ जो धारा लगाई, वो की वही धारा में मेरे खिलाफ आपने एक झूठा केस लगा दिया, बिना किसी सबूत करे, बिना किसी मेडिकल करे और बिना किसी गवाह के घर। तो मान गए आखिर में, आपने मेरी बात को सच कर दिया कि कोई भी अपराध होता है तो उसके अंदर बड़ा अधिकारी उसके पीछे मिला हुआ रहता है, बिना अधिकारी के मिले कोई भी अपराध नहीं होता है। इस बात को सच करने के लिए आज आपको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। और ये बात मैं आपको बोल देता हूँ कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक अनिल सोनी जिंदा है तब तक इस मंदसौर शहर में इस चुन्नू लाला और चुन्नू लाला के परिवार के लोग को अपराध नहीं करने दूंगा। और आप में अगर दम हो तो मेरा मर्डर करवा दे भले ही, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय जय सियाराम मेरे भाइयों। वहीं परिजनों के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे चुन्नू लाला और आजम लाला का हाथ है, जिन्होंने 2 साल पहले अनिल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन अनिल ने फिरौती देने से मना कर दिया था, जिस पर अपराधियों ने 1 दिसंबर 2016 को सोनी के डायमंड ज्वेलर्स शोरूम पर 3 राउंड फायर किए थे। फिर भी अनिल सोनी ने अपराधियों के सामने घुटने ना टेकते हुए अपराधियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी, जिस पर मंदसौर पुलिस ने आजम लाला के साथ उसके सहयोगियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, जिसका मामला अभी कोर्ट में लंबित है। मृतक अनिल सोनी के भाई अजय सोनी के मुताबिक 2 साल पहले कुख्यात बदमाश आजम लाला के 2 लोगों ने उनके मृतक भाई अनिल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और ना देने पर हत्या का खुला चैलेंज किया था। आज से 2 साल पहले की बात है, हमारी मंदसौर वाली दुकान पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद हमसे 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी, हमने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। हमने उस समय भी पुलिस के ऊपर विश्वास करा, पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि हमसे साहब 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने खुद जांच करी, पुलिस ने जांच में बोला कि साहब ये आजम लाला नाम का एक बदमाश है जो आपसे 1 करोड़ रुपए की सुपारी की मांग कर रहा है। और पुलिस ने उस अपराध में आजम लाला और एक जेल में प्रतापगढ़ जेल में बना अंसार है उसको और दो तीन जने और अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। उसके बाद जब वो आरोपी बन गए तो इस बात की उन्होंने हमसे दुश्मनी रखी कि हमने उनको 1 करोड़ रुपए नहीं दिए और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। उन्होंने हमसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और हमसे कहा था कि अगर तुमने फिरौती नहीं दी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारे में से कोई एक भाई मरेगा उसके बाद भी हम फिरौती लेंगे और तुम्हारे दोनों भाई मर जाएंगे तो भी हम फिरौती लेंगे। तुम पुलिस के पास चल जाओ, किसी के पास चल जाओ, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी हमसे मिली हुई है और पुलिस भी हमारे लिए काम करती है। ये सारी जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बदमाशों की ऑडियो क्लिप थी जो हमने वहाँ दी थी और ऑडियो क्लिप सारे समाचार चैनलों में पहले भी चली थी। उसको और हमको लगातार धमकियाँ मिल रही थी कि हमने जो केस कर रखा हो केस हम उठा लें और इन बदमाशों के खिलाफ इसमें केस में किसी केस में गवाही नहीं दे, समझौता कर लें और चुपचाप बैठ जाए, इनके खिलाफ लड़े नहीं लड़े। आपको बता दें, डायमंड ज्वेलर्स के मालिक अनिल सोनी 2016 से ही राजस्थान के प्रतापगढ़ इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपराधी सोनी पर लगातार 307 के मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। परिजनों के मुताबिक समझौता ना होने पर ही अपराधियों ने अनिल की हत्या कर दी है। सोनी के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। इस हत्याकांड के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि आचार संहिता के बावजूद हथियारबंद अपराधी बीच शहर में कैसे हथियार लेकर घुसाए और एक व्यापारी की हत्या कर दी। मंदसौर SP विवेक अग्रवाल का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। वहीं SP अग्रवाल मीडिया से बातचीत करते नजर आए।
मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पुलिस को थोड़ा समय दे दें जांच के लिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम आरोपी तक पहुंच जाए। घटनाक्रम क्या है? तमाम चीजें अभी जांच चल रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय दे दीजिए, हम जल्दी से आरोपी को पकड़ने के। क्या मामला हुआ? मामला क्या हुआ ये जानकारी दे। अनिल सोनी जी हैं यहाँ पर, उनकी डेथ हुई है, गोली लगने से डेथ हुई है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करते हैं कि हम पहले आरोपी तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है। सोनी ने विगत विधानसभा चुनाव में मंदसौर से हिंदुस्तान शिवसेना के बैनर तले चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। सोनी कई बीजेपी नेताओं के भी करीबी थे। सरेआम अनिल सोनी की हत्या को लेकर मंदसौर शहर के लोगों में आक्रोश है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अनिल को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसकी जानकारी वो पुलिस को भी दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अनिल सोनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मंदसौर में बीजेपी समर्थित नेता और व्यापारियों की हत्या पहली घटना नहीं है। 3 माह पहले ही मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की 17 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिले में पुलिस की सुस्ती के कारण अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट।